हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और आपको अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है सो ऐसी कौन सी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। नाउ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लेयर होती है और उनका क्या मीनिंग होता है, कैसे वो वर्क करती है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे विद परफेक्ट एग्जाम्पल्स। नाउ मैं खुद एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको किस बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए और हर एक लेयर में आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे बढ़ने से पहले, एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट्स हो सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। आपके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में थ्री लेयर्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ प्रेजेंटेशन लेयर का क्या मतलब है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, सो जिससे एंड कस्टमर इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन का एग्जाम्पल ले लो या फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लो, जब भी आप उनकी वेबसाइट्स पे जाते हो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, आपके पास एक बैनर होता है, आपके पास अलग अलग टाइप के डील्स के ऑफर्स आपको साइड बाय साइड दिखते रहते हैं। सो ये सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन लेयर में आती है, जिसमें आप ये अपनी वेबसाइट का फुल प्रेजेंटेशन करते हो। आप कोई भी बैंक की वेबसाइट ले लो, सो सबसे पहले वहां पे आपका कस्टमर आईडी होता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है, ये सारी चीजें कि कौन सी बटन कहां पे जाएगी, कौन सी हेडिंग कहां पे होगी, ये पूरे प्रेजेंटेशन लेयर होती है। सो दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन लेयर इज। अब प्रेजेंटेशन लेयर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करो HTML CSS से। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो नाउ दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न, क्योंकि यहां पे आप अपना डायरेक्टली आउटपुट देख सकते हो कि जो भी आप कोड कर रहे हो वो क्या दिख रहा है आपको, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है। सो मैंने भी HTML CSS से स्टार्ट किया था। नाउ टू मेक द UI यू हैव टू लर्न दैट। After that, you can learn JavaScript. Now, JavaScript is a very, well-known language. Now, it is most loved language all around the world. So, JavaScript से basically आप अपनी website को more responsive बना सकते हो. Now, one more thing that I will recommend you to learn is that Bootstrap. So, Bootstrap आपका HTML CSS का एक framework है, जिसे आप use करके वो और भी ज़्यादा beautiful websites बना सकते हो. Now coming to your second layer है अपनी business logic। यहाँ पे आपका server side कहलाता है। So इस particular layer में अगर आपको काम करना है तो आपको basically logic के साथ काम करना पड़ेगा कि कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास एक e-commerce website है और अगर आपने add to cart पे click किया है, so कैसे वो product आपके cart पे जाएगा, वहां जाके कैसे save होगा। So ये पूरा logic आपके business logic layer में आता है। इस logic layer पे आप अगर आपको काम करना है तो आपको जावा, पाइथन, PHP ये वाली लैंग्वेजेस आनी चाहिए। सो जिसको मींस जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, जिसको लॉजिक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो इस लेयर में काम कर सकता है। Now, going to the above layer, that is called the database layer. Now, database layer में जैसा कि नाम है, यहाँ पे आपको databases के साथ काम करना पड़ेगा। For example, Oracle SQL, MySQL, PL SQL, या फिर आप ले सकते हो NoSQL as well. The best database that right now we have is MongoDB. So, वो तो बहुत ही best database है, so आप उस पर भी काम कर सकते हो। नाउ ओरेकल SQL MySQL में ऐसा कोई भी फर्क नहीं है, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पता चला। मुझे ओरेकल SQL ऑलरेडी आती थी अपने कॉलेज डेज से, मैंने MySQL फिर बाद में सीख ली, फिर PL SQL सीख ली, सो इट्स ऑल द सेम। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप दो हफ्ते में नेक्स्ट लैंग्वेज भी सीख सकते हो। डेटाबेस लेयर में काम क्या होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज की वेबसाइट है और वहां पे एक फॉर्म है जिससे बच्चे फॉर्म फिलअप करके अपने एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं, सो आप वहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्कशीट्स वगैरह अपलोड कर रहे हो। सो ये पूरा डेटा आपका डेटाबेस में जाता है। आपको उस डेटाबेस की जरूरत है, जो एडमिन है, जो वेबसाइट का ओनर है, उसे जरूरत है। सो बिजनेस लॉजिक का यूज करके बिजनेस लॉजिक डेटाबेस को ग्रैब करता है, जो भी आपने फिलअप किया है फॉर्म वो उसको ग्रैब करता है और डेटाबेस में सेव करता है। सो डेटाबेस लेयर एक्चुअली डिपेंडेंट होती है अपने बिजनेस लॉजिक पे। सो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इन तीनों लेयर्स में ही होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना UI बनाना पड़ता है, देन बिजनेस लॉजिक एंड देन द डेटाबेस। सो इन तीनों लेयर्स में आपको काम करना पड़ सकता है अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो। आपको कंपनी में जब भी आप जाते हो सो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एप्लीकेशन खुद से बनाना पड़े, बट कंपनी ये प्रिफर करती है कि उनके एम्प्लॉयज को फुल स्टैक डेवलपमेंट आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर कैसे बनाना है, बिजनेस लॉजिक कैसे बनाना है, एंड देन डेटाबेस पे कैसे काम करना है। सो मोस्टली आपको किसी एक लेयर
लेयर पे ही काम करना पड़ता है, बट आपको नॉलेज सबका होना चाहिए। इससे टीम में बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है और हर कोई हर एक काम जानता है, तो कंपनी को बेनिफिट होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो भी मैंने लैंग्वेजेस बताए, आप इनके अलावा भी कई लैंग्वेजेस सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेम सुना होगा, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क्स हैं, मीन स्टैक एंड मर्न स्टैक। मीन स्टैक का मतलब होता है MongoDB, एक्सप्रेस JS, एंगुलर JS एंड नोड JS, एंड मर्न स्टैक का मतलब होता है MongoDB, एक्सप्रेस JS, रिएक्ट JS एंड नोड JS। आप इन पूरी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स का कलेक्शन यूज करके, कोई भी एक का यूज करके, आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो बहुत ही इजिली। सो अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है और आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, सो गो विद मर्न स्टैक। आई थिंक रिएक्ट आजकल काफी ज्यादा बूम पे है, बहुत सारी कंपनियां रिएक्ट JS की तरफ मूव करे और सारे एप्लीकेशन अब उसी पे बन रहे हैं। सो आई थिंक आपको मर्न स्टैक सीखना चाहिए, रिएक्ट JS सीखने में बहुत आसान है। सो बट स्टार्ट आपको HTML CSS से ही करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना, मुझे अच्छा लगता है। एंड कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, अगर आपको और भी किसी फील्ड के बारे में जाना हो, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।